इसका कारण केवल मात्र एक है कि संघ की शक्ति पूरे देश भर में थी, देश भर में फैले हुए सब जगह के संसद थे और ये संख्या लाखों में थी। अन्य किसी भी पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी, सामाजिक पार्टी, जिन उन दिनों लगभग 26 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया था, उनमें से किसी का भी कोई ऐसा व्यापक नहीं था कोई भी। तो संघ की इतनी प्रखर शक्ति है, ये एक विषय था। दूसरा विषय था उनका कि संघ के प्रचारक जो थे, ये संघ के प्रचारकों ही कारण से वास्तव में संघ की शक्ति है, ये इंदिरा गांधी को पता था और वास्तव में थी भी कि संघ के प्रचारकों का जैसा रोल रहता है, जैसा समर्पण है, जैसा त्याग है, उसके कारण से सारा समाज उनके बाद मानता भी था। इसलिए इंदिरा गांधी को लगा कि मेरी जो जो कुछ योजनाएं हैं, अगर ये संघ के से प्रचारक पकड़े गए अगर, तो फिर मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगी। लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुई, उन्होंने काफी कोशिश की, प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुए। देशव्यापी कार्य और स्वयंसेवकों का समर्पण, स्वयंसेवकों की मनोवृत्ति, इस कारण से वो संघ से घबराते थे वो। इसलिए शाह कमीशन ने जगह जगह जो उसका समाचार दिया, तो आपातकाल में जितने कार्य हुए उन सब कार्यों में, यानी सामाजिक जागरण, राजनीतिक नेतृत्व से मिलना, राजनीतिक नेतृत्व से परिचय करना, देश भर के अंदर अंडरग्राउंड आंदोलन खड़ा करना, इस सारे काम में संघ का रोल था। ये उन सबके पास बार बार प्रधानमंत्री के नाते से समाचार पहुंचता था, इसलिए वो चाहते थे कि संघ ये बंद होना चाहिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।